गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए आर फारूक खान में। एंड आज सबसे पहले तो फर्स्ट बिकॉज क्योंकि मैं कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो आज टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है कि COAP, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है कि COAP क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का गेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसी प्रोसेस को हम COAP के नाम से जानते हैं। COAP, जिसको आप कोप भी बोलते हैं, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, यू कैन से इट इज एन एब्रिविएशन। ओके, सो द फुल फॉर्म इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, सामूहिक प्रस्ताव स्वीकृति पोर्टल 2022। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने ऊपर से देख लिया, ठीक है? इसमें आपको चार ऑप्शन, चार पांच आपको देखते हैं। सबसे आपको फर्स्ट, आप देखो, आपको अगर कर्जा दिख रहा होगा, यहाँ पे होम है गाइस। तो होम में आपको क्या दिख रहा होगा कि होम में आपको सबसे पहले जैसे अपडेट है, या ये इस तरह का इसका मेन फेस होता है, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सेलियंट फीचर्स दिए हैं, ठीक है? जो भी पॉइंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि इसमें कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे IISc बैंगलोर, IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर। जो ओल्ड, आपको पता ही होगा कि हमारे पास शायद 7 के करीब, अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 7 के करीब ओल्ड IITs हैं। बाकी के हमारे पास नए हैं, जैसे कि आपका IIT रोपार है, और ये नए हैं, ठीक है? और जैसे IIT खड़गपुर, रुड़की है, ये आपके पुराने हैं। तो करीब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IISc बैंगलोर, IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT BHU, IIT बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद एंड गोवा, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT धनबाद, IIT जम्मू, IIT जोधपुर, और IIT कानपुर भी है, और IIT खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, तिरुपति, रोपाड़ और रुड़की में, ठीक है गाइज? तो ये सारे जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप इनके बारे में, आपको मैंने बताई दिया, सबका लोगो दिया है। अगर आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आते हो तो गाइज ये आपको देखने को मिल सकता है। अब गाइज चलिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडियन सिटीजन होना आपका कंपलसरी है। एंड सेकंड, आपके पास कोई भी 2021, 22, 23, सॉरी, 20, 21, 22, आपके पास तीन में से किसी का भी स्कोर कार्ड हो वो चलेगा, ठीक है? जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, अपने बारे में बताऊंगा, मेरे पास जो है 2022 का है, क्योंकि मैंने अभी क्वालिफाई किया है गेट, तो मैं अपना 2022 का लगाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास 2020 का है, 2021 का है, या 22 का है, तो आप उन तीनों में से उसको लगाओगे जिसमें आपका स्कोर कार्ड, स्कोर सबसे ज्यादा है। मैं आप दोस्तों को ये भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को, दे डोंट नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड स्कोर। देखो गाइज, रैंक जो होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी रैंक कितनी है, आपकी 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो में, क्योंकि जब आप किसी भी IITs में कहीं भी आप अप्लाई करोगे, तो वहां पे जो चीज मैटर करती है वो होता है आपका स्कोर कितना है, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए, अब मेरा 296 है, ठीक है? तो 296 है, बेटा क्लोज कर देना, ठीक है? तो 296 है मेरा। तो इसमें क्या है कि अब जैसे मान लीजिए मेरी रैंक, मैं आपको बता रहा हूँ, 2161 मेरी रैंक है, और मेरा 296 मेरा स्कोर है। तो अब मेरा जो रैंक है 2191, अब अदर ब्रांचेस में देखोगे, सिविल में, तो सिविल में जिस बच्चे की रैंक ना 2161 होगी, उसका स्कोर काफी अच्छा होगा, 50 से 60 या 50 से 52, 55 ऐसे करीब में होगा। लेकिन मेरा स्कोर कितना है, 34.33। तो मेरा स्कोर, मेरा मार्क्स मार्क्स सॉरी मेरे मार्क्स कितना है, 34.33 है। इतने लो मार्क्स पे भी मेरा क्या है, मेरी रैंक 2161 है, और वहां उस बंदे के 50 नंबर है सिविल वाले के, तब भी उसकी 2161 लगे। तो गाइज, लेकिन उसका जो स्कोर है वो मेरे से ज्यादा होगा, करीब 500, 550, 600 के आसपास उसका स्कोर हो सकता है, ठीक है? तो स्कोर जो होता है वो मैटर करता है, ना कि आपका रैंक। रैंक क्या है, रैंक आपका ये बताती है कि
कि जिस ब्रांच वाइज आपने अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए मेरा आर्किटेक्चर में, तो इससे ये पता चलता है कि एक तरह से आप ऐसे मान लो शॉर्ट में कि मैं आर्किटेक्चर में जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए उसमें उस लाइन में मैं इतने वाले नंबर पे खड़ा हूँ। अगर आपका फिफ्थ पोजीशन आया, फिफ्थ रैंक है, तो इट मींस कि आप आर्किटेक्चर में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें आप पांचवें नंबर पे आते हो। मान लो आप एक, मान लो कि एक लाइन है और उस लाइन में पांचवें नंबर पे खड़े हो इस तरीके से। लेकिन स्कोर के मामले में क्या होता है, स्कोर में ऐसा नहीं होता। स्कोर में आपका कंपैरिजन केवल आर्किटेक्चर के बच्चों से नहीं होगा, स्कोर में आपका कंपैरिजन सभी ब्रांचेस से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे ऐसे नहीं होगा कि मेरा 2161 रैंक है तो मेरे को पहले मिल जाएगा। नहीं, हम सबके जो सिविल, आर्किटेक्चर, सीएस, आईटी, जिस भी ब्रांच से जो भी बच्चे आएंगे उन सबका स्कोर चेक किया जाएगा। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वैसे उसको मिल जाएगा। तो स्कोर मैटर करता है। चलिए ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो कोप है ना, आप कोप में क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि कोप के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, तो इस बार आईआईटी बॉम्बे जो है कोऑर्डिनेट करेगा कोप 2022 को। ठीक है, तो देखिए गाइज, आपको दिख रहे होंगे, एक आपको रजिस्टर दिख रहा होगा, मैं अपना कर्जर से आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है गाइज, रजिस्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आप रजिस्टर पर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक फॉर्म। ठीक है, कोप 2022 कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट क्या है गाइस, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अब देखिए कोप क्या आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको नोट्स में कुछ ऐसे बता रहे हैं कि मोजिला फायरफॉक्स आप यूज कर लो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास क्रोम है और मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो वो आपको ऐसे देता है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी यूज कर रहे हो वो करते रहो जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो नहीं आती, बिकॉज मैंने भी गूगल क्रोम कर रहा हूँ और मेरा वर्जन मेरे को नहीं पता कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो एक्चुअली कभी कभी आती है, तो इसलिए आपको नोट में दे देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल इन द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट टू रजिस्टर। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको अपना यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालोगे, आप सबसे पहले अपने जो आपका रिजल्ट आया है आप वहाँ पे जाओगे। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर गेट आईआईटी खड़गपुर में जाओगे, आप वहाँ लॉगिन करोगे, आपका रिजल्ट आपको दिख रहा है, तो आपके रिजल्ट में आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, वो आप सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करोगे। अब नीचे गाइज आपको दिख रहा है कि एंटर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट पेपर कोड, तो उसमें आपको गाइज AR लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मेरा था ARS612 ऐसा करके कुछ था, तो उसमें आपको जो AR है आप उसको हटा दोगे। ठीक है, उस AR को आप हटा दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, और यहाँ पर पेपर कोड यानी जो आपने हटाया है उस पार्ट को आप यहाँ लिख दोगे। जैसे मेरा आर्किटेक्चर है तो मैंने यहाँ पर AR लिखा, आपका कंप्यूटर साइंस है तो आप CS लिख दोगे, जो भी आपका ब्रांच है उसका पेपर कोड आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर मैंने गाइस अपना गेट स्कोर यहाँ पे लिखा, फिर मैंने अपना नेम लिखा। नेम आपको याद रखना है, आपको सेम नेम लिखना है, आपका नाम बिल्कुल भी ओके कमिंग, तो आपका नेम जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम जैसा कि आपका स्कोर गेट स्कोर कार्ड पे है वैसे आपका नेम यहाँ होना चाहिए। DOB आप यहाँ से लिख लोगे, फिर आप उसको वैलिडेट कर दोगे, और ये जो आपको कैरेक्टर्स आपको ऊपर शोन किए गए हैं ये आप एंटर करोगे और यहाँ पे सबमिट टू रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। बस गाइस, जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा कर लोगे तो आपके मोबाइल फोन पे आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा, और जो आपकी आईडी होगी, आपकी आईडी वही होगी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। बस आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में से अपना जो पेपर कोड है AR वो आपको हटाना होगा, या जिस भी ब्रांच से आप है वो आप कोड हटा दोगे, वही आपका आईडी होगा। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको आपके मोबाइल फोन पे आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको मेल पे कोई भी चीज ना मिले, तो आप अपने फोन में देखना, आपको फोन में आएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मुझे किस नाम से मेल आया है, मैसेज आया है, तो JDIIT MMT के नाम से मेरे को मैसेज आया है। तो ठीक है, आपको जब भी आई JDIIT MMT तो आप समझ जाना मेरे को मैसेज जो आया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुझे आया कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन कोप, डिटेल्स आर सेंड टू ईमेल, बट मैंने डिटेल चेक किया था, मेरे को ईमेल पर नहीं मिला, बट मेरे को फोन पर मिल गया, और लिखा है पासवर्ड फॉर लॉग इन इज 7732XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आप ये लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद वो आपसे पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, आपको पासवर्ड चेंज करना है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो फाइनल में जब आप आज